हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हेयर फॉल के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं रिगार्डिंग हेयर फॉल कि हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हेयर फॉल के बाद बाल बहुत कम हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें हेयर फॉल रोकना है यू नो इन द प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स एवरी क्वेरी इज सम हाउ रिलेटेड टू हेयर फॉल। सो आई थॉट मे बी आई कैन वर्क आउट कि क्या किया जा सकता है हेयर फॉल के लिए, बट कोई एक कॉमन आंसर नहीं हो सकता बिकॉज हेयर फॉल होने के रीजंस अलग अलग हैं तो उनके रेमेडियल एक्शंस भी अलग अलग होंगे। मैंने अपनी एक वीडियो में हेयर फॉल के बारे में बात भी कर रखी है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, जिसमें मैंने एक ही बात मेंशन की है दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू नॉट पैनिक, स्टे काम एंड कंपोज्ड। हेयर फॉल को आप अलग ढंग से देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके जो बाल रिपीटेडली गिर रहे हैं वी कैन यू नो कैटेगराइज इट इनटू हेयर फॉल। कई बार लाइक एक जनरल बात की जाए तो 100 हेयर पर डे इज अ नॉर्मल थिंग, राइट। अगर इससे ज्यादा और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोग आपको दिख रहा है कि यू नो बाल गिर रहे हैं, देन यू कैन डिसाइड ऑन टू योर सेल्फ कि यस मे बी वी आर फॉलिंग प्रे ऑफ हेयर फॉल, अदरवाइज प्लीज डू नॉट पैनिक। तो हेयर फॉल को समझने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है। देयर कुड बी लाइक हेरिडिटरी प्रॉब्लम, इट कुड बी लाइक योर डैंड्रफ हो रहा है आपको, इट कुड बी बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन हैं, राइट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट प्लेस कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है एंड देन उसके रेमेडियल एक्शंस वी कैन चॉक आउट। आज का जो मैं हेयर ऑयलिंग डिस्कस करने वाली हूँ, इट इज इफ यू डू नॉट नो आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है, आपका फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है हेयर फॉल की, आपको स्ट्रेस नहीं है किसी भी तरह का, देन इज योर आपको डैंड्रफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीन चीजें ना होने के बावजूद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये जो रेमेडी मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इट इज बाउंड टू हेल्प यू इनफैक्ट। और अगर आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है, टू ऑल द पीपल हु आर हैविंग अ वेरी हेल्दी स्कैल्प और उनको ग्रोथ चाहिए अपने बालों में बहुत फास्ट, तो दिस इज द सोल्यूशन। आज का जो रेमेडियल एक्शन मैं आपको बता रही हूँ इसमें दो ऑयल इन्फ्यूजन है, फर्स्ट इज योर आमंड ऑयल एंड सेकेंड इज योर कैस्टर ऑयल। माई यंगर सिस्टर इज ऑलवेज आफ्टर माई लाइफ, वाई डू कीप टॉकिंग अबाउट द ऑयल, सीधा बनाओ दिखाओ एंड दैट्स इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स दैट इज कौन सी चीज का कैसा एक्शन हमारी बॉडी में होता है। वंस वी अंडरस्टैंड तो उसके बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प में होती है तो वी नो वेयर टू गो एंड विच बेल टू रिंग। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज डिस्कस कि कौन से इंग्रेडिएंट का क्या प्रॉपर्टी है और वो आपके बालों में कैसा बिहेव करता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज, आप यू नो यूजफुल चीज़ क्या क्या हैं जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स तो आप खुद ही ये ब्लेंड बना सकते हैं कि आपके बालों में किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है एंड दस आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं टू यू नो रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन योर स्कैल्प। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आपको मालूम है कि सरसों का तेल प्लस नींबू इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डैंड्रफ। सो वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस तो आपको ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, आपको पता होगा आपको क्या यूज़ करना है। सो आज के इन्फ्यूजन में हमने दो ऑयल्स यूज़ किए हैं, वन इज़ योर कैस्टर ऑयल एंड द अदर इज़ योर आमंड ऑयल। दोनों ही ऑयल के बारे में मैं बहुत विस्तार में बात कर चुकी हूँ, आमंड ऑयल के बारे में भी मैंने एक वीडियो कर रखा है और कैस्टर ऑयल के बारे में भी मैंने एक वीडियो कर रखा है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल इन दोनों का ब्लेंड इज लाइक अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। व्हाट नीड्स टू बी डन इज आप आमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल इक्वल क्वांटिटीज में ले लीजिए डिपेंडिंग अपॉन द योर हेयर लेंथ एंड योर स्कैल्प मसाज, जैसा भी आप करना चाहते हैं, एंड उसके बाद आप इस ऑयल को अपने बालों में लगा लेंगे। There is one more ingredient that we are going to use, that is your vitamin E. लेकिन हम vitamin E को इस oil में नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं? First and foremost, almond oil is very rich in vitamin E, right? पर मैंने बोला कि ये ingredient है, yes, we are going to use vitamin E, but not in the oil. I'll tell you a vitamin E capsule कैसे और कब इस्तेमाल करना है इस process के लिए। तो अगर आप इस particular application को as a remedy use कर रहे हैं for hair fall, प्लीज़ अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको एज अ रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल को इक्वल क्वांटिटीज़ में लेके फ्यूज़ कर दीजिए और इसको 10 सेकंड्स के लिए हीट कर लीजिए। वी डोंट वॉन्ट इट टू बी हीटेड, वी जस्ट वॉन्ट इट वार्म, ताकि यू नो
जब वो लगे हमारे स्कैल्प पे तो पोर्स में इन्फ्यूजन लाइक अंदर जाना चाहिए ऑयल, दैट्स वाई वी हीट इट अप. ऑल्सो कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक ऑयल है एंड वी नीड इट टू बी अ लिटिल बिट यू नो सॉफ्टर टू मेक इट गेट इन टू द स्कैल्प. हेयर फॉल के दौरान हमारा स्कैल्प, हमारे बाल ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं. तो ये जो दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो गोल्डन ऑयल्स हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर आमंड ऑयल एंड योर कैस्टर ऑयल, ये दोनों ही हेयर ऑयल के लिए इज एब्सोल्युटली मैजिक. मैं हर ऑयल के लिए ऐसा बोलती हूँ आप बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है. हम जिस रेमेडी के लिए बात कर रहे हैं उसमें, उस पर्टिकुलर रेमेडी में ये चीज़ें अमेजिंगली ब्यूटिफुल हैं. सो मैं आपको इसका थ्योरी भी दे रही हूँ, इसका बेस भी दे रही हूँ. इफ इट मेक सेंस टू यू, इफ यू फाइंड इट लॉजिकल, प्लीज इसको अप्लाई कीजिए. तो सबसे पहले है आमंड ऑयल. बादाम की प्रॉपर्टीज हम लोगों को सबको मालूम है. आपको दिमाग तेज करना है तो बादाम खाने के लिए कहते हैं, आपको अपना बॉडी स्ट्रांग करनी है तो बादाम खाने के लिए कहते हैं, आपको की स्किन ग्लोइंग करनी है तो बादाम खाने के लिए कहते हैं. बालों के लिए तो बादाम की बातें मैं आपको काफ़ी सारी बता चुकी हूँ. सो बादाम अपने आप में एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न चीज़ है और इसका जो ऑयल की बात की जाती है, इट इज़ जस्ट लेवल अप, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. तो अगर हम आमंड ऑयल की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर हेल्थ, इट इज़ यूज्ड फॉर योर स्ट्रेंथ, इट इज़ यूज्ड फॉर योर जितने भी नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे आप चेक कर लीजिए, वन ऑफ द मेजर एंड ब्यूटिफुल इंग्रीडियंट वुड बी आमंड ऑयल. आमंड ऑयल आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ओबेसिटी आपको कभी नहीं होगी. अगर आप आमंड ऑयल में खाना बनाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इस वजह से आमंड ऑयल को हम नहीं यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, बट अगर आप आमंड ऑयल एज अ मेडिसिन, वन स्पून, यू नो नॉट डेली, कोई भी ऑयल का इनटेक हमें डेली नहीं करना चाहिए, यू शुड कीप ऑन चेंजिंग. इसीलिए कहते हैं कि हम जिस ऑयल में खाना बना रहे हैं वो भी यू नो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना चाहिए. सो यू शुड ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग द एडिबल ऑयल दैट यू आर कंज्यूमिंग फॉर योर बॉडी फॉर सच सम रेमेडी. सो अगर आप किसी ऑयल को एज रेमेडी अपने बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको कंज्यूम भी कीजिए, लेकिन नॉट मोर देन वीकली. आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कीजिए फॉर एडिबिलिटी एंड नॉट मोर देन दैट. कैस्टर ऑयल इज अनदर मैजिक. अगर आप उसको, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आईब्रो में किसी पार्ट में ग्रोथ नहीं हो रही है एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल डूइंग दैट, तो आप क्या कीजिए, आप जो ईयरबड होता है कॉटन नॉर्मल, उससे कैस्टर ऑयल लेके और उस पर्टिकुलर पार्ट पे फॉर अ वीक लगातार लगा लीजिए एंड सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ. मैं कुछ नहीं बोलती हूँ आप लोगों को, आप प्लीज चेक कीजिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं. आप ट्राई कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. कंजम्पशन ऑफ कैस्टर ऑयल इज अ वरदान, इज अ ब्लेसिंग फॉर योर इंटेस्टाइन. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो कैस्टर ऑयल एक बहुत ही ब्यूटिफुल रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए. तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको मालूम होगा कि आपको स्किन प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, बिकॉज आपके पेट का, दैट इज योर इंटेस्टाइन का, आपकी स्किन से डायरेक्ट कनेक्शन है. अगर आपका पेट एकदम परफेक्टली फाइन है तो आपकी स्किन भी अच्छी और हेल्दी होगी. कैस्टर ऑयल एक इतना ज़्यादा थिक ऑयल है कि आप उसको ऑयल की कैटेगरी से हटा के इसको आप एक हेयर सीरम की कैटेगरी में डाल सकते हैं. इट इज़ दैट थिक. ये एक पूरी कवरिंग कर देता है आपके बालों के ऊपर, एक कोटिंग कर देता है, उसको एक प्रोटेक्शन दे देता है, एंड दस यू कैन इवन कैटेगराइज इट एज सीरम ऑल्सो. इट इज़ दैट वेरी थिक. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैस्टर ऑयल इज़ जस्ट अमेजिंग फॉर योर स्किन. आपको कहीं कट हो गया है, कहीं कोई वूंड है जो हील नहीं हो रहा है, आप कैस्टर ऑयल लीजिए, उसके ऊपर लगाइए एंड सी द मैजिक. इट इज़ अमेजिंग. कैस्टर ऑयल इज़ जस्ट एवरीथिंग. ऑल द केमिकल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, हम लोग उसके इतने यूज टू हो चुके हैं दैट वी हैव एब्सोल्युटली फॉरगॉटन द नेचुरल थिंग्स अराउंड अस विच कैन बेयर द सेम एंड इन फैक्ट मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल एंड पावरफुल रिजल्ट आपको दे सकते हैं. सो यू शुड एंड यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. विटामिन ई एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए. आप विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए और सीधा अपनी स्किन पे लगा लीजिए, डायरेक्टली अपने बालों में लगा लीजिए. इट इज़ लाइक वंडरफुल. विटामिन ई की कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है दैट इट इज़ सॉल्युबल इन फैट्स, बटर एंड घी में. वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो वाटर बेस्ड चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बटर, घी, इन सब चीज़ों में फ्यूज़ नहीं होते हैं,
बट विटामिन ई इज सच अ वंडरफुल थिंग दैट ये किसी भी फैट में इन्फ्यूज हो जाता है इजिली. दैट मीन्स जो भी चीज फैट में इन्फ्यूज हो जाती है, आपको मालूम है कि फैट्स हमारे स्किन में डिपॉजिट हो जाता है अंदर. ओबेसिटी में क्या होता है, द एंटायर फैट्स दैट वी ईट वो अंदर जाके हमारी बॉडी में सेव हो जाता है. सिमिलरली विटामिन ई कैन ऑल्सो फॉर्म अ लेयर इन आर बॉडी, इट इज दैट रिच. हमारी बॉडी विटामिन ई को इतने अच्छे से समझती है. तो विटामिन ई का प्रेजेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी यू नो स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग इट एंड स्टार्ट्स इन्फ्यूजिंग इट, टेकिंग इट इनसाइड एंड बिल्डिंग इट अप. तो विटामिन ई इतना डायरेक्टली हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है एंड दैट्स द रीजन हम विटामिन ई यूज करते हैं. विटामिन ई को ऑयल्स में इन्फ्यूज करते हैं बिकॉज विटामिन ई ऑयल्स में इजिली इन्फ्यूज हो जाता है. विटामिन ई किसी भी तरह का स्कार नहीं रहने देता. विटामिन ई कभी भी आपके जो स्किन है उसको ऑयल का जो यू नो सिक्रीशन है उसको हमेशा बैलेंस रखेगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक रियली ह्यूज. विटामिन ई जो मार्केट में अवेलेबल है वो एडिबल नहीं होता है. सो यू शुड ऑलवेज आस्क योर फार्मासिस्ट दैट वेदर जो विटामिन ई आप खरीद रहे हैं वो एडिबल है या नहीं. अगर वो एडिबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विटामिन ई विच इज अवेलेबल इन द मार्केट वो एडिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ इन्फ्यूजन एंड यू नो लगाने के पर्पज से होते हैं. सो इफ यू आर बाइंग विटामिन ई जस्ट आस्क देम इफ इट्स एडिबल. एडिबल है तो आप उसे कंज्यूम भी कीजिए बिकॉज एंड ऑल्सो द कंजम्पशन शुड नॉट बी वेरी वेरी यू नो फ्रीक्वेंट. आप हफ्ते में दो हफ्ते में एक बार इज लाइक सफिशिएंट. बाकी आप अपने लगाने के पर्पज से आप इसको डेफिनेटली यूज कीजिए, नॉट डेली फॉर श्योर. वीकली अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं आप ऑयल में डाल दीजिए, परफेक्टली फाइन. विटामिन ई गिव्स अ ब्यूटिफुल शाइन टू योर हेयर, दैट्स द रीजन हम जब भी हेयर सीरम बनाते हैं तो हम विटामिन ई उसमें डाल लेते हैं. हम नाइट सीरम्स बनाते हैं तो हम विटामिन ई उसमें डाल देते हैं. सो विटामिन ई इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन. तो विटामिन ई मैंने अभी ऑयल में नहीं डाला है. आई विल टेल यू आफ्टर द एप्लीकेशन कि विटामिन ई को कब और कैसे लगाना है. सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल द इम्पॉर्टेंस एंड पोटेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंग्रीडियंट दैट वी आर यूजिंग टुडे. सो आई हैव माई ऑयल ओवर हियर रेडी विद मी, दैट इज कैस्टर ऑयल एंड आलमंड ऑयल. इक्वल रेशियो में मैंने यहाँ ले लिया है. विटामिन ई मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इस ऑयल में बिकॉज आलमंड ऑयल ऑलरेडी है. बट येस आई एम गोइंग टू यूज विटामिन ई एट द एंड. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई एम स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन. लेट्स सी हाउ इट इज डन.
So I'm done with the oiling. I love putting almond oil onto my scalp because मेरे scalp को almond oil बहुत पसंद है. जब भी almond oil का application होता है, it is absolutely rejuvenated and बहुत ही you know scalp बहुत ही free of dandruff, free of everything and you know it is like completely new. My scalp is just in love with almond oil. Whenever I apply almond oil, I'm always very much biased. I keep it for an entire day. Whereas बाकी oils को मैं रात को करती हूँ और सुबह धो देती हूँ. But almond oil, whenever I do it, I keep it for at least 24 hours. तो आज मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ. I'm going to make something of my hair so that I can go out. Right, now, what about the vitamin E that I was talking about? आप लोगों को विटामिन ई सिर्फ उन सेक्शंस पे लगानी है जहां आपको लगता है कि आपके बॉल्ड एरियाज हैं या जहां पे आपके बाल कम हो रहे हैं. आप विटामिन ई कैप्सूल डायरेक्टली सिर्फ उसी जगह पे लगा दीजिए. होगा क्या, बिकॉज आलमंड ऑयल में ऑलरेडी विटामिन ई है, तो हमें पूरे बालों में एक यू नो एक नॉर्मल एंड रैशनल प्रपोर्शन ऑफ विटामिन ई पूरी पूरे स्कैल्प को दे दिया है. बट देर आर सर्टन पोर्शन जहाँ पर यू नो विटामिन ई का ज़रूरत कुछ ज़्यादा है, वेयर ऑयल को मेंटेन करना का जो रेशो है वो उस पर्टिकुलर पैच को ज़्यादा चाहिए. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ आप विटामिन ई का कैप्सूल लेके और डायरेक्टली उन सेक्शंस पे जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल लगा लेंगे. दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई द पैचेस जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है एंड वो सिमेट्रिकल हो जाएगा एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम. So this was it for this video. I hope you enjoyed it. I thoroughly enjoy telling each and everything to you. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो कि नए मेरे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं. I am working really hard and I will work really harder कि मैं आप सब लोगों के लिए something or the other I can help you out with. And I am getting messages from Instagram, from mails and so many various other sources where you all are telling me कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है with all the remedies that I am doing. But it would be really great अगर आप यहीं पर मुझे बता सकें comment section में that it is like useful to you, it is beneficial to you. जो कुछ भी मैं बता रही हूँ it is not just bookish or anything theoretical. Practically मैं कोई model नहीं है, मैं खुद अपने बालों में आप लोगों को ये सारी चीज़ें कर कर दिखा रही हूँ and there is no side effect at all. So आप please जो भी आपका feedback है, may it be positive, may it be negative, आप यही कमेंट सेक्शन पे मुझे दीजिए. आई बी रियली थैंकफुल बिकॉज एवरीबडी एल्स वुड ऑल्सो गेट टू नो दैट यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट एंड दे कैन ऑल्सो यू नो रिलाई ऑन टू इट. समटाइम्स यू नो अ वर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पर्सन इट मेक्स अ डिफरेंस. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू अबाउट द हेयर. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में. आई एम वेटिंग इफ यू हैव वॉच द वीडियो.